हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आटा और मावा के लड्डू कैसे बना सकते हैं। तो मैं आज इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आटा और मावा के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो आइए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं आटा और मावा के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा लिया है मैंने, और मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और मैंने यहाँ पर 1 कप मावा लिया है, 15 से 20 मैंने बादाम लिए हैं, बादाम को बाद में हम काट लेंगे, और मैंने ऐसे ही 15 से 20 काजू लिए हैं, काजू को भी हम काट लेंगे टुकड़ों में। मैंने यहाँ पर 1/2 कप घी लिया है, हमें ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में भी थोड़ा बहुत घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मावा को मैंने तोड़ दिया है हाथों से, और हम इसको कढ़ाई में डाल करके भून लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा घी छोड़ देगा, तब तक हम मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे। मावा हमारा भून चुका है, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया और 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। जो बादाम थे मैंने उनको टुकड़ों में काट लिया था, और काजू भी मैंने ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे। तो इनको हम क्या करेंगे, भून लेंगे घी में, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। बस काजू और बादाम हमारे भुन चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल के, और जो हमारा बचा हुआ घी था वो भी घी डाल देंगे। और हम क्या करेंगे, अब आटा डाल देंगे, और आटे को हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आटे का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन सा आटे का कुछ कलर हो जाएगा, और इसमें से खुशबू आने लगेगी। तब तक हम आटा को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर ये नीचे से लग जाएगा, तो इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और चलाते हुए हम आटा को भून लेंगे। आटा हमारा भुन चुका है, इसमें से खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब जो हमने मावा भून के रखा था वो मावा हम मिक्स कर देंगे इसमें। मावा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें मावा तो आप बिना मावा के भी आटा के लड्डू बना सकते हैं। इसमें मावा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पाउडर शुगर, जो हमने चीनी पीसी थी मिक्सी में, वो मिलाएंगे इसमें। तो हम थोड़ी थोड़ी करके अच्छे से इसमें आपस में हम मिला देंगे तीनों चीज़ों को, चीनी को, आटा और मावा है जो, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इन तीनों को। यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, क्योंकि जब हम लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू हमारे बन नहीं रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 1/3 कप घी मेल्ट करके ले लिया था, उसको ऐड कर दिया। आप घी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, 2-4 चम्मच आप दूध डालेंगे तो उससे भी क्या होता है, लड्डू काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन दूध मिला करके जो लड्डू बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक स्टोर करके आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन जो घी से ही लड्डू बनाते हैं वो आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें और भी अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं, जैसे मखाने भी आप पहले ऑयल में भून करके, घी में भून करके तोड़ करके डाल सकते हैं। तो अब हम लड्डू बना लेते हैं अपने, हमारे लड्डू काफ़ी अच्छे से बनने लगे हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे, और इसी सेम प्रोसेस से हम अपने बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने अपने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।